Slum for kids, for kids. Oh, bachon. Slum for kids, for kids. Oh, bachon. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। इसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में हसन भाई से। जी हसन भाई। अल्लाह 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 कल्ब को उसकी रुयत की है आरज़ू, कल्ब को उसकी रुयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सौ, जिसका जलवा है आलम में हर चार सौ, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहानहु, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहानहु, अर्शे पर है मगर अर्शे पर है मगर अर्श को जो सुजो। इसके साथ वक्त है अपने पहले सेगमेंट जानने बढ़ने का, और सेगमेंट का नाम बताएंगे सब मिलकर। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना।
आपके अपने सेगमेंट मदरसत मदीना जी हाँ, पहले बताते हैं आयत बताने से पहले आप सबको प्यारे बच्चों मदी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसा मदीना ऑनलाइन के साथ जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट होता है जिसमें कुरान पाक को तजवीद और किरात के मुताबिक पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है और यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी अच्छे अंदाज से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और कोशिश कर रही है। कतरा कतरा दरिया बनता है, एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। और प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन आज सूरतुल वाकिया उसकी आयत नंबर बताएंगे सऊद भाई। सऊद भाई कौन सी आयत है? 73 और 74। ये तो हो गया इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं? दानियाल भाई याद करके आए हैं, चले दानियाल भाई से पूछते हैं। 73 और 74, माशाल्लाह। जी हाँ, 73 और 74 भी आयत, 73 और 74 ये दो आयतें। पहले तवज्जो के साथ होना है, पहले तवज्जो के साथ क्या होता है? सुनना। सब मिलकर बोलें, पहले तवज्जो के साथ सुनना, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना, फिर आखिर में तवज्जो के साथ हाँ, हदर और तरतील के साथ आखिरी मरहला होता है। तो बढ़ते हैं पहले मरहले की जानिब जिसका नाम है तवज्जो के साथ सुनना। तो इन दो आयतों को प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन तवज्जो के साथ समात फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم। سبحان الله ما شاء الله। तो पहले बच्चों अपने अगले मरहले जानब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? तो पहले बच्चों आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानब और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी करे साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन तवज्जो के साथ समझने का मरहला है। सुन तो लिया, अब तवज्जो के साथ समझना भी है और आपने क्या करना है? हमारे साथ रहना है। सही है प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना है, सीखना है, समझना है और पहले कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या होता है? तहफ्फुज़ और तस्मिया भी होता है। जी आपकी तवज्जो कहीं और भी है। अच्छा, बारिश का मौसम भी है, बारिश हो रही है, रहमत की छमा छम बारिशें बरस रही हैं, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन कुरान पाक पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इन आयतों को पढ़ने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना है, तो तवज्जो इधर भी रखनी है, तो मिलकर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين, نحن جعلناها للمقوين। जी बड़े बच्चे माइक करीब करके रखें ताकि आवाज आए, दोबारा दोहरा लेते हैं। نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا
अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे कई मरतबा कल भी फील हुआ, परसों भी, ये क्या होता है पता है क्या है कि आप लोगों की तवज्जो आगे पीछे हो जाती है ना, तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। अब जो सुनने वाले हमारे नाजरीन होते हैं ना और हाजरीन होते हैं, बस यहाँ हाजरीन भी मौजूद हैं, नाजरीन भी मौजूद हैं, तो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो अच्छा नहीं लगता सुनने वालों को। सही है, अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक खूबसूरती पैदा होगी। क्या होगी? खूबसूरती पैदा होगी। क्या होगी? खूबसूरती। तवज्जो इधर है? जी बिल्कुल जी, तवज्जो इधर है, लगता है तवज्जो कहीं और है, है बरसात की तरफ तवज्जो है, बरसात का मौसम है, बरसात हो रही है माशाल्लाह, तो आपने तवज्जो इधर रखनी है। कहाँ रखनी है? मेरी तरफ, की तरफ, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ। अच्छा, अब आपने मिलाकर पढ़ना है, अपनी आवाज़ों को आगे पीछे नहीं करना। एक मर्तबा फिर दोहरा लेते हैं, सही है, तवज्जो से। نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ دانیال بھائی آپ نے تو مائک کو پیچھے رکھنا ہے کیونکہ آپ جو ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ تھوڑا مائک کو پیچھے رکھیں اب بڑھتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کی جانب پہلا حرف ہے نون نون کا مخرج بتائیں گے کون ٹیم اے اور بی اچھا آج پھر مقابلہ ہو جائے جی آج پھر مقابلہ ہو جاتا ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کا بڑے بچے بھی شامل ہوں گے مگر ان سے کم سوالات ہوں گے چھوٹے بچوں سے زیادہ سوالات ہوں گے ایک ایک سوال یا دو دو سوال ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں تیار رہیے گا دس سوال ٹیم اے سے دس سوال ٹیم بی سے دس سوال ٹیم اے سے دس سوال ٹیم بی سے زازان بھائی کہہ رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں کن میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں یا کوئی زیادہ درست جواب دیتے ہیں کون سی ٹیم زیادہ درست جواب دے کر اور یہ مقابلہ جیت دیتی ہے کل کا مقابلہ جیتا تھا ہمارا ٹیم اے نے ماشاءاللہ تو ابھی بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب پہلا سوال نون کا مخرج بتانے جائیں گے ٹیم اے جی سید مصطفیٰ بتائیں گے زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کے مسوڑوں سے سوچ لیں جی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کے مسوڑے ایسے ہی دانیال بھائی پکا جواب درست ہے نا ماشاءاللہ اور پھر ہا کا مخرج ہا کا مخرج بتائیں گے تو ایزی ہے بہت ایزی مخرج ہے زبان کے درمیان والا حصہ زبان کا درمیان والا حصہ اور آپ کا درمیان والے حصے سے غلطی ہونے جا رہی تھی مگر سوچ لیں حلق کے درمیان والے آپ کے برابر والے ساتھی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے دیں ان کو حلق کے نیچے والے حلق کے نیچے بھائی آپ پہلے فیصلہ کر لیں کیونکہ ابھی آپ کی آپ کے ٹیم میں جو ہے نا درمیان والے حصے سے مشورہ کر لیں مشورہ کر لیں یہ کیا ہے ہا ہے ہا ہے یہ کیا ہے حلوے والا ہا ہا اچھا یہ ہا جو ہے حلق کے درمیان والا پکا کیا نام ہے آپ کا محمد بغداد رضا بغداد صاحب مائک میں بولے محمد بغداد رضا عطاری اچھا بغداد رضا عطاری سلم الباری اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کہا کہ ہا حلق کے نیچے والے سے غلطی ہو گئی تھی مگر آپ نے اب درست خود ہی کر لیا نا دانیال بھائی تو کہہ رہے ہیں حلق کے درمیان والے سے پہلے کہا تھا زمان کے درمیان میں نے حمزہ اور ہا کہہ دیا حمزہ ہا ہے حمزہ ہا ہے حلق حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے جی حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ حلق کے نیچے والے سے اور ہا ہا حلق کے نیچے نیچے اور عین اور ہا عین ہا حلق کے درمیان اور غین خوا حلق کے اوپر والے ماشاءاللہ درست کر لیا اور جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تیسرا سوال دوسرا سوال ہوگا ہمارے ٹیم اے سے یہاں تو پھر نون ہے تو اس لیے یہ مخرج تو ہو چکا ہے نا تو نحنو میں نون کو زبر ہے پہلے والے پر اور ہا ساکن ہے اس کو ہلانا نہیں خاص خیال رکھنا ہے اور نون پر پیش آنے کی وجہ سے نون کو بھی حرکت ہے حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں اب جیم کا مخرج بتانے جائیں گے ٹیم اے بتائیے سعود بھائی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے سوچ لیں جی بالکل جی پکا جی اچھا کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے تین کون کون سے جیم شین یا آپ نے جواب درست دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کچھ بھی بتانا چاہ رہے ہیں بتائیے شین میں صفت تفشی ہے
अभी शीन तो आया नहीं ना, तो यहाँ तो जी में, तो आप शीन की बातें बता रहे, फिर आप कहेंगे या में जो है, फिर या में क्या होता है? या में कुछ नहीं होता? नहीं होता है, और फिर लीन भी होते हैं और फिर मद्दा भी होता है, होता है नहीं होता? अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। जीम का आपने मखरज दुरुस्त बता दिया और तीन हरूफ अदा होते हैं वस्ते जबान वस्ते तालू से, जीम शीन या, इनको क्या कहते हैं ये भी तो बता दीजिए सऊद भाई। प्यारे बच्चे बताइए जल्दी। हरूफ शजरिया, और ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया माशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, अब टीम बी से पूछते हैं। अच्छा आयन तो आ चुका है, आयन और हा का मखरज आपने बता चुके हैं, इसलिए हम बढ़ते हैं लाम के मखरज की तरफ। जबान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूरों से अदा होता है लाम। सोच लें, अच्छा यहाँ कितना हिलाएंगे लाम को? बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम बी ने। दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। कितने जवाब दुरुस्त हो गए जाजान भाई? दो दो। कितने नंबर हो गए? दो दो हो गए, चार नंबर हो गए। चार किसे? दो दो नंबर है ना, दोनों टीमों को मिला के, दोनों टीमों के मिला के चार नंबर हैं, वरना दो दो नंबर हैं जी। मुकाबला सख्त जा रहा, आगे बढ़ते हैं। नून का मखरज पहले बता चुके हैं, और नून पर खड़ी हरकत, नून पर खड़ा जबर है, और खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ते हैं? ये तो ईजी है ना, थोड़ा मुश्किल सवाल होना चाहिए। लबाइक है सही, वो मुश्किल होना चाहिए। चले सब मिलकर बोले, ये सवाल नहीं है, इस सवाल आपसे दूसरा किया जाएगा, ये तो सबसे पूछा गया है, इसलिए एक खड़ी हरकत एक अलिफ यानी दो हरकत, और उर्फे मतलब कितना खींचते हैं? एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ये सवाल है, तो हमने कोई मुश्किल सवाल करना है आपसे, ठीक है? टीमें तैयार हैं आप? अब जाते हैं हम यहाँ पर कि ता का मखरज क्या है। ता का मखरज टीम ए से सैयद मुस्तफ़ा बता रहे हैं, बताइए सैयद मुस्तफ़ा। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के जड़ से। सोच लें कितने हरूफ हैं? तीन। कौन कौन से? ता दाल को। ता दाल को। माशाल्लाह, अभी आपने होंठ गोल नहीं किए, आपने मेहनत की है, इस पर प्रैक्टिस की है प्यारे बच्चे, माशाल्लाह। कितनी मेहनत की? थोड़ी सी ज़्यादा, ज़्यादा बोले मुंह से बोले जी, ज्यादा की माशाल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है सैयद मुस्तफा का, मगर ये भी बताइए ये किन हरूफ से ताल्लुक रखते हैं? हरूफ नितोइया से ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह, इनको हरूफ नितोइया कहते हैं, ता दाल तो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब बताएंगे टीम बी दाल का मखरज, ता के बाद आ गया दाल। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से। सोच लें, जबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, कितने हरूफ अदा होते हैं? तीन। कौन कौन से? हा, लाल और जो। जो, जो, माइक में बोले जो, जो होते हैं या वो होते हैं? जो। वो नाक में जाएगी आवाज? नहीं, थोड़ी सी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे कैसे पढ़ेंगे? वो 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 वो। इधर सिर्फ टीम ए दानियाल भाई बोलेंगे जो वो, जो। और जोर से जो। अच्छा होंठ गोल क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा सा गोल करेंगे वरना पूर्ण नहीं हो रहा है ना, इसलिए पूर्ण नहीं हो रहा वो गोल कर। अच्छा होंठ गोल करके प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखें, कोई भी हर्फ जो है होंठ गोल करके पूर्ण नहीं होता, बगैर होंठ गोल किए भी पूर्ण हो जाता। जैसे वो आप पढ़े ख सौद दौद तो वो गीन कौफ, बगैर होंठ गोल किए ये हरूफ पुर हो गए हैं, तो आपने कोशिश करने होंठ गोल नहीं। बाल बच्चे पढ़ते हैं ख्वा स्वाद द्वाद त्वा द्वा, दानियल भी ऐसे ही गीन कौफ, तो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना माशाल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, सा जाल वो, इन हरूफ को क्या कहते हैं? लिसविया। सोच ले, लिसविया सीन से या सा से?
लिसाविया हरूफ़ लिसाविया कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, तीन तीन जवाब दुरुस्त हो चुके हैं दोनों टीमों के। और आगे बढ़ते हैं, काफ का मखरज आ गया है टीम ए की जानिब। अगर बड़े बच्चे भी बताना चाहें तो हम पूछ सकते हैं टीम ए बड़ी, टीम ए किससे पूछेंगे, बड़े बच्चों में से अगर कोई बताना चाहे काफ का मखरज। काफ, अच्छा काफ पढ़ना है, कौफ, मोटा काफ नहीं, काफ काफ पढ़ते हैं, कज़ालिका पढ़ते हैं ना, तो मालिकी। तो बताएंगे सऊद भाई, सऊद भाई बताइए, सऊद भाई बताइए। और तालू के सहती से सोच लें जी, पक्का जी, इसके साथ एक और हर्फ अदा होता है ज़बान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से, वो कौन सा है? कौफ। कौफ, इन दोनों को क्या कहते हैं? फिलहाविया। टीम ए में से सऊद भाई बताएंगे, आपने आप टीम ए के साथी हैं बता सकते हैं, मगर हम पूछ रहे हैं सऊद भाई से क्या कहते हैं इनका, आपका साथी का जवाब दुरुस्त मान लें जी, मान लें, देख लें जी, ऐसा ना हो गलती हो जाए। और आप लोगों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह, टीम ए का ये भी जवाब दुरुस्त हो गया है। अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। अच्छा रा पर तो जबर है, रा का मखरज क्या है? रा पर जबर आने की वजह से क्या होगा पहले ये बताइए, पूर हो जाएगा, पूर हो जाएगा। अब रा का मखरज बताइए, जबान का सिरा और किनारा और रुबाई से सनाए तक के मसगूड़ों से अदा होता है। सोच ले प्यारे बच्चे, सोचने का वक्त दे रहे हैं आपको, 3 सेकेंड। सही है, हो गया। सही है जी, यही है, आपने पक्का कर लिया, फिर आगे जो भी हो जो बता दें। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह जी। तो अभी तक 4-4 जवाब देकर 4-4 पॉइंट हासिल कर चुके हैं आप। और अच्छा रा लाम नून रा इनको क्या कहते हैं, चलिए ये आप ही बताएं, ये आप उसी सवाल का हिस्सा, उसी सवाल का हिस्सा, जैसे हम पूछे थे ता दाल तौ का मखरज क्या है, उसके फिर ये बता रहे थे ये कौन से हरूफ हैं, तो अब रा कौन से, लाम नून रा, जल्दी 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। और ये अब आधा जवाब देंगे कौन, टीम ए बताएगी लाम नून रा को क्या कहते हैं, वरना आपका भी जवाब उर्फ़ तरफिया, हरूफ़ तरफिया याद आ गया आपको माशाल्लाह, मगर देर से याद आया आपने उनके जवाब देने, हाँ उनके जवाब से पहले आपने जवाब दे दिया, इसलिए आपका जवाब मुकम्मल दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। वो अभी नहीं बता पाए इसलिए आपने पूरा जवाब दे दिया, कैसे अचानक याद आ गया, हसन भाई ने बता दिया अल्लाह। तो ये टीम बी का ही हिस्सा है ना, हाँ ये टीम बी का हिस्सा है, तो हेल्प तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो टीम ए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब यहाँ बताइए तनवीन के बाद अगर आ रहा है वाव, तनवीन के बाद या नून साकिन बाद आ जाए वाव, तो टीम ए जवाब देगी, बड़े बच्चे भी जवाब देना चाहें तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन सा कायदा लगता है सऊद भाई बताइए, 5-5 जवाब दुरुस्त हो चुके हैं, 5-5 पॉइंट टीम ए और टीम बी अभी तक हासिल कर चुकी है। छठा सवाल है टीम ए की तरफ, सऊद भाई बताइए, दुआ माल गुन्ना, सोच लें जी, इतना माल गुन्ना क्यों हुआ, अच्छा ये बताइए, क्योंकि नून, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ़े यरमलून में से वाव आ रहा है, तनवीन के बाद उर्फ़े अरमलून में से वाव आ रहा है, और आपका जवाब है इदगाम माल गुन्ना, और आपका जवाब प्यारे बच्चे दुरुस्त है माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। आगे बढ़ते हैं, इदगाम माल गुन्ना बता दिया आपने, और वाव का मखरज है दोनों होंठों की, और मीम का भी इज़्ज़ी मखरज है, इसलिए ये भी सब मिलकर बता दें, दोनों होंठों के तर या खुश, खुश 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 किससे, पक्का सोच लें
कोई तर वाला भी कह रहा है, तर कौन कह रहा था? गलती, सैयद मुस्तफ़ा से निकल गया था, तर निकल गया मगर फिर आपको याद आ गया है। खुश्क है या तर? खुश्क। अच्छा, तर से कौन सा अदा होता है? तर से बा। बा। और खुश्क से? मीम। मीम। जब मैंने अदा करके देखा तब मुझे, तब अदा करके आपने देखा तो याद आ गया, माशाल्लाह। यही होना चाहिए, जब आप अदायगी करेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कहाँ से अदा होता है, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अब ता अलिफ ज़बर ता अलिफ मद्दा है, और अगला सवाल है तीन बी से, जो है आयन के बाद दो ज़बर की तनवीन है, और ये जब लाम से मिलेगी तो कौन सा कायदा, मद, कौन सी मद? मदनी, मदनी। वक्फ बिल इब्दाल माल अलिफ। वक्फ बिल इब्दाल माल अलिफ, आयन के लाम से मिला तो वक्फ बिल इब्दाल माल अलिफ हो गया, और आपका जवाब गलत हो गया। देर हो गई, देर हो गई। हसन भाई ने बताया, हसन भाई ने बताया। अब ये छोटे बच्चे को मुकाबला है, लेकिन टाइम के बाद, और टाइम के बाद वो टाइम गुजर गया है तो अब ये गलती हो गई। दानियाल भाई क्या करें आपने? अच्छा, आपने कहा वक्फ बिल इब्दाल माल अलिफ, वो तो प्यारे बच्चे आपका जवाब दुरुस्त होता कब, जब हम यहाँ पर वफ करते, तो अभी तो हम यहाँ कह रहे हैं आयन की दो ज़बर की तनीन को लाम से मिलाना है, मिलाने की बात हो रही है, तो आपने वफ की बात कैसे कर दी, ये गलती आपकी मानी जाएगी। अल्लाह, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी तो कई सवाल आते हैं, कितने कितने, छः छः सवाल हो गए, छः पॉइंट हासिल किए टीम ए ने, पाँच पॉइंट हासिल किए टीम बी ने, मुकाबला सख्त हो चुका है दोबारा से। टीम ए से अगला सवाल है, ये बताइए लाम को तो लाम से, ये तो इजी है, लाम को साकिन का रखना है, ठीक है, उसके बाद काफ में क्या होगा, ये भी तो इजी है, चलें बताएं काफ में क्या होगा। अच्छा, काफ का मखरज भी बताना है, काफ में कौन सा कायदा लगता है, और काफ कौन से हरूफ में से। तीन सवाल में आपका एक जवाब दुरुस्त होगा, यानी तीन जवाब देंगे तो एक माना जाएगा। बताएं सऊद भाई, काफ का मखरज बताइए। काफ में गलकला होगा, काफ का मखरज ये है, ज़बान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से। और कौन से रूफ में से है ये काफ? रूफ़े लहविया। रूफ़े लहविया में से, और इसके अलावा एक और रुफ़े मुस्तालिया में से भी है, और फिर लहविया में से भी है, और जी रुफ़े एख्फा। चलें ये छोड़ दें, बस यहाँ रुफ़े एख्फा की बात नहीं हो रही। जी दानियाल भाई क्या कहना चाह रहे हैं? रुफ़े कलकला। कलकला तो उन्होंने शुरू में कह दिया, काफ में बता दिया कि पहले ही उन्होंने ये कहा था कलकला हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जवाब हमारे सऊद भाई का दुरुस्त माना जाएगा, इन्होंने सारे जवाब दुरुस्त दे दिए, माशाल्लाह। और टीम ए के हो गए 7 पॉइंट, टीम बी से सातवां सवाल, बताइए वफ की सूरत में कौन सा कायदा होगा? जी मेरे कितने पॉइंट हैं? आपके 5। अब आपसे है सातवां सवाल, अगर 6 दे देते तो 6 आपके पॉइंट हो जाते। जी सातवां जवाब दीजिए, वफ की सूरत में कौन सा कायदा लगेगा? मध्य आरिस। ये टीम बी के बड़े बच्चे अभी नहीं बोलेंगे जब तक पूछा ना जाए, वरना हम उनकी गलती काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो अभी बोलना नहीं है जब तक आपसे पूछा ना, क्योंकि आप बड़े हैं, अभी छोटे बच्चों का सख्त मुकाबला, ठीक है। मध्य आरिस सोच लें जी। अच्छा, मध्य आरिस क्यों हो रहा है? उर्फ मद्दा के बाद आरजी सुकून यानी वफ की वजह से कोई उर्फ साकिन हो तो मद्दे आरिस होता है। उर्फ मद्दा कहाँ है यहाँ पर? कहाँ, क्या या के नीचे जेर आ रहा है? या के नीचे जेर आ रहा है कहाँ? या के, या तो साकिन है, या साकिन के नीचे जेर आ रहा है। या के नीचे जेर तो है ही नहीं, प्यारे बच्चे गौर करें, या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ रहा है। या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर आ रहा है, ये बात कही आपने, अब ये दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त। यानी ये क्या बना? ये मद्दारिस नहीं, या मद्दा बना, अली मद्दा बना, वाऊ मद्दा बना, या मद्दा बना, या मद्दा। या मद्दा के बाद क्या हुआ? नून को हमने क्या किया? साकिन कर लिया। साकिन कर दिया और मद्दारिस हो गया, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाल्लाह। मद्दारिस को कितना खींच कर पढ़ेंगे? क्या नाम है? 3 या 4? नहीं, इतना ज्यादा हो जाएगा।
एक अलिफ यानी दो और गाद के बराबर। एक अलिफ भी कह सकते हैं। अरे आहिस्ता बाइक लबाइक जी लबाइक पत्तियार इसको कितना खींचना है जी बताएंगे वन आप अपने बगदाद रजा बताना चाहते हैं सीधे हाथ से देना है सीधे हाथ से लेना है याद रखना है प्यारे बच्चे बताइए तीन या चार अलिफ छह या आठ हरकत दो ढाई अलिफ सोच लें बाइक दो दो अढ़ाई यानी चार या पांच जी साउद भाई क्या कहते हैं साउद भाई बताइए एक दो या तीन अलिफ यानी दो चार या छह हरकत की मिकदार तक हाँ एक दो तीन अलिफ तक खेल सकते हैं माशाल्लाह और आपका जवाब दुरुस्त माना जाए चले वैसे दो अलिफ आपने एक अलिफ कहा एक अलिफ भी खींचते हैं मध्य आरिफ को तो दो ढाई अलिफ भी बोल दिया दो अलिफ भी खींचते हैं और ढाई अलिफ भी है और कुछ कुर्रा के नज़दीक डेढ़ अलिफ भी है अब आप कहेंगे ये कैसे ये तो हम रवायत हफ्स पढ़ते हैं ना तो दीगर रवायतें भी होती हैं तो दीगर रवायतों का भी एतबार होता है चले माशाल्लाह फिर भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा माशाल्लाह कितने कितने पॉइंट होंगे जाजान भाई बताइए ज़रा सात उनके और छः इनके छः इनके सात सात सवाल हो चुके हैं टीम ए के सात नंबर हैं सात पॉइंट हैं और टीम बी के छः पॉइंट हैं मुकाबला सख्त है एक पॉइंट से टीम ए लीड कर रही है आगे जा रही है और देखते हैं आखिर दस सवाल के बाद कौन सी टीम जीतती है आगे बढ़ते हैं अगर अगली आयत को तवज्जो से पढ़ना है सब ने पढ़ना है माइक हाथ में रख के पढ़िएगा टीम बी बड़े बच्चे भी हाथ में माइक लीजिएगा فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ما شاء الله اور فا کا مخرج بتانے جائیں گے ٹیم اے ایزی بھی ہے مشکل بھی ہے جی بتائیے سید مصطفیٰ بتائیں گے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تارے سے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے किन हरूफ से ताल्लुक रखता है फा ये भी बताना है कि मैं एक आप अपने साथी को बता सकते हैं आप अपने साथी को बता सकते हैं सऊद जल्दी से बता दें वो एक दो तीन चार पांच और जवाब आप दे नहीं सके आधा जवाब शफविया आधा जवाब उनका तो अभी आधा जवाब माना जाएगा क्योंकि सवाल उनका था मेरा भी आधा जवाब माना जाएगा नहीं आपसे अभी बड़ी गलती क्या करी आपने बड़ी गलती क्या की आपसे बड़ी गलती ये हुई कि माइक में मैंने बड़ी गलती क्या करी क्या की आपने बड़ी गलती कोई नहीं की आपसे छोटी गलती हुई थी तो आधा जवाब मेरा भी माना जाएगा ना गलत मैंने गलती क्या करी गलत माना जाएगा या दुरुस्त इनका गलत माना जाएगा इनका इन्होंने जवाब तो दुरुस्त दे दिया आधा जवाब गलत जी 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 अच्छा ढाई ढाई दे दें अच्छा रुके रख देखिए इन्होंने बता दिया टीम ए ने मखरज हमने बताया मखरज बता दिया जी ये तो मेन मखरज है और मखरज का जवाब देना ये तकरीबन जवाब हो जाता है मगर हम इनसे आधा इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने ये नहीं बताया कौन से रूप से ताल्लुक रखता है इसलिए आधा जवाब इनका माना जाएगा आधा नहीं माना जाएगा इसलिए अब आपके पॉइंट हो गए हैं साढ़े सात आ जाइए टीम बी की तरफ टीम बी तवज्जो के साथ नहीं इनके है छः पॉइंट अब अगला सीन का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से सोच लें सोच लिया सोच के पक्का अच्छा ये किन हरूफ से ताल्लुक रखते हैं आप खामोश तो रहें आपके साथी जवाब उर्फे सफीरिया उर्फे सफीरिया मखरज के लिहाज से एक दो तीन चार उर्फे असलिया उर्फे असलिया ये आवाज आई आपके टीम की साथी से कहां से आई अस अस की आवाज आई अस की आवाज आने से असलिया में पहुंच गए हसन भाई ने कुछ थोड़ी सी हेल्प की है आवाज मेरे मुझ तक आ गई तो उन तक भी पहुंच गई
तो मुझ तक आ गई तो उन तक भी पहुंच गई है ऐसे ही। दानियल भाई आपको याद नहीं था ना? आवाज नहीं आई मगर याद नहीं था। याद आ गया। याद आ गया पक्का? उनकी आवाज नहीं आई मुझे पक्का। सोच ले। अच्छा अच्छा मखरज के लिहाज से उर्फे सफीरिया। सफीरिया असलिया। असलिया जी। और सिफत के लिहाज से सफीरिया जी। मखरज के लिहाज से असलिया जी। सिफत के लिहाज से असलिया नहीं। मखरज के लिहाज से जी। सिफत के लिहाज से सफीरिया नहीं। सफीरिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है दानियाल भाई ने। उर्फे सफीरिया कितने हैं ये भी बताइए, उर्फे असलिया कितने हैं ये भी बताइए। तीन। तीन उर्फे सफीरिया हैं और उर्फे असलिया। उर्फे असलिया भी तीन हैं। कौन? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। कौन कौन से हैं वो? कौन से? अरे बगदाद भाई रुक तो जाइए, आप माइक ले लें, आप माइक ले लें, माइक में बोले प्यारे बच्चे, सीधे हाथ से लेना है। सीन सीन ज़ा और सौद। भाई पूर भी करना है अभी, गलत हो जाएगा वरना तो। सीन ज़ा सौद। और पूर करना है सौद को। सौद। और पूर करना है सौद। और गोल भी नहीं करने। सौद सौद सौद। माशाल्लाह उर्फे सफीरिया भी हैं उर्फे असलिया भी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, एक पॉइंट पूरा मिल चुका है। कितने पॉइंट हो गए टीम बी के? जाजान भाई सात पॉइंट हुए हैं टीम बी के और 7.5 पॉइंट है टीम ए के। आठ आठ सवाल हो चुके हैं। दो सवाल बचे हैं। दो सवाल रह गए हैं, तवज्जो रखनी है। अब बताइए सीन को जब बा से मिलाएंगे तो बा में क्या होगा और इस बा को किस तरह अदा करेंगे सोच समझ के। जी जल्दी से जवाब दे दीजिए समुद भाई। बा को जमाओ के साथ अदा। जमाओ के साथ अदा करेंगे। बा का मखरज बता दीजिए जल्दी से। दोनों हुरूफ के तर हिस्से से। और किस हुरूफ किन हुरूफ से ताल्लुक रखता है बा? आप नहीं उर्फ़े शफ़विया। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाल्लाह, एक पॉइंट और मिल गया आपकी गलती की वजह से। जी वैसे तो जवाब दे चुके थे आप, अभी बीच में कम बोलना है, तवज्जो से सुनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बा को हा से मिलाना है, हा की अदायगी क्लियर करनी है। मगर यहाँ बा को सीन से मिलाएंगे तो क्या अलिफ पढ़ेंगे या नहीं? टीम बी से जवाब है, सोच समझ के जवाब देना है। नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे? नहीं। बिस्मी का नहीं या क्या? बिस्मी का हुआ ना, अलिफ की आवाज नहीं आनी चाहिए। अलिफ की आवाज नहीं आएगी पक्का जी। और आपका जवाब दुरुस्त है, अलिफ की आवाज नहीं आएगी। बा को डायरेक्ट सीन से मिला के अदा करेंगे माशाल्लाह, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं, मीम के नीचे जेर हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका नहीं मारूफ अदा करेंगे। रा को बा से मिलाएंगे और रा को बा से मिलाएंगे तो फिर वही जवाब आ गया, आपने तो जवाब दे चुके हैं। रा को पुर भी अदा करेंगे, कितने जवाब हो चुके। अच्छा काफ का मखरज बता चुके जी, बता चुके। अच्छा काफ को लाम से मिलाएंगे तो क्या होगा? ये दरमियान में अलिफ कितना पढ़ेंगे ये बताएंगे टीम ए। जी बताइए सऊद भाई। अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे? नहीं नहीं। रब्बी काल पढ़ेंगे या रब्बी कल पढ़ेंगे? रब्बी कल। रब्बी कल पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे पक्का? याद है सोच समझ के। और आपका जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। दस सवाल हो चुके हैं टीम ए से और अभी दसवां सवाल है टीम बी से। बताइए वा का मखरज क्या है, जल्दी बता दीजिए वा का मखरज। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जबान का किनारा? जबान का सिरा। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से। जवाब दुरुस्त दे दिया है, कितने हुरूफ अदा होते हैं? तीन। कौन कौन से? सा, लाल और वो। क्या कहते हैं इनको? हुरूफे लिसविया। और पहले भी आपसे पूछा गया था एक सवाल माशाल्लाह। और आखिर में हो जाएगा, सब मिलकर बोले अध्यारिस माशाल्लाह। और ये मुकाबला कौन जीत गया, जाजान भाई फैसला करेंगे, बताएंगे कौन सी टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। आज का मुकाबला भी हमारी टीम ए जीत चुकी है। सुभानअल्लाह। और टीम बी ने बड़ा सख्त मुकाबला किया, अच्छा मुकाबला किया। घबराना नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करके, नेक्स्ट टाइम आपने मेहनत करके आना है। हो जाता है मुकाबले में तो होता है, कोई एक ना एक तो आगे पीछे होगा ना, एक जीतेगा एक हारेगा। अच्छा कभी कभी टाई भी हो जाता है मुकाबला, है ना?
तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, चले कोई बात नहीं। माशाल्लाह प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशाल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह। अपने अगले मरहले जाने बढ़ने से पहले आइए अब कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स ले कीजिए। अब्दुलरहमान है, मैं जिला रहीम का कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम देख हमारे इल्ले में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको नजर बसर चाहे। मैं आज आपको मनी मदद नाऊंगा। मुझे अपनी सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह मनी चैनल हमारा मनी चैनल अल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल, मैं खिची वाला से सैयद जैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जज़ाकअल्लाहु खैरा। आमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल, मेरा नाम अहमद रजा है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे हैं। आपका भी जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल, मेरा नाम अबू हैतारी है, साजा से बात कर रहा हूं। आज के सवाल का जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की जिम्मेदारी चैनल हमारा मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आपका भी जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल, मेरा नाम मोहम्मद उमर हसन है, मैं भावनगर से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू जाने कौन है? अब्बू जाने ना। जी आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल, मेरा नाम उबैद है, मैं टनवादन से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी उल माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल, मैं फातिमा तारिया मिंजनाबाद में प्यार प्यार हसन भाई, आप मुझे एक कलाम सुना दीजिए। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आंख से काबा तेरा। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों इसके साथ अब वक्त हुआ अपने अगले मरहले जाने बढ़ने का, और उस मरहले का नाम हमें बताएंगे सऊद भाई। बच्चों के साथ पढ़ना, बच्चों के साथ पढ़ना। जी कर सा। जी हाँ, तवज्जो के साथ पढ़ना है ये मरहला है। और अब प्यारे बच्चों और मंदी चल के नाज़रीन तवज्जो के साथ इन आयतों को पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. जी मिलकर पढ़ना है, थोड़ा आगे पीछे जा रहे हैं आप लोग। अच्छा क्या करें, आधी आयत पढ़ाएं आप लोग पढ़ नहीं पा रहे, क्या करें? अच्छा आपने माइक भी थोड़ा पीछे रखा, बहुत ज्यादा आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे, ठीक है। नहनु जअलना तज़किरतन व मताअल लिल मुक़वीन नहनु जअलना तज़किरतन व मताअल लिल मुक़वीन। क्या लगता है तवज्जो नहीं है छोटे बच्चे? बगदर रजा आप भी जो है आगे पीछे कर देते हैं। दानियाल भाई आप तो अभी लगता है तैयारी नहीं करके आ रहे, तैयारी नहीं कर रहे ना, अब आप कहते हैं कि मुझे आ गया है। अच्छा बाद में तो ऐसा होता है, बाद बच्चे कहते हैं मुझे आ गया है, बस आ गया है तो फिर तो नहीं आता। जो कहता है मुझे आ गया उसको नहीं आता, तो इसलिए भरपूर मेहनत करते रहें, सीखते रहें, कोशिश, क्योंकि मन जद्दा
जो कोशिश करता है वो पाता है, जो कोशिश नहीं करेगा वो कैसे पाएगा। तो कोशिश प्यारे बच्चों जारी रखनी नहीं। दोबारा तीसरी मरतबा पढ़ा रहे हैं, आपने मिलके पढ़ना है जी। माइक थोड़ा सा दूर, सही है, छोटे बच्चे की आवाज कम, दूर रख के, ठीक है। نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين اور یہ مصطفیٰ آدھے میں پڑھ کے رک جاتے ہیں، سید مصطفیٰ اور اسماعیل بھائی کی آواز بھی ایسی آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ आपकी तवज्जो नहीं लगता है, नज़र नहीं आ रहा बोर्ड, चश्मा वगैरह तो लगवाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं नहीं आ रहा है। सोच लें, ऐसा होता है कभी आँखें कमज़ोर हो जाती है तो देखें अगर आप तवज्जो रखेंगे तो आपको समझ में आएगा और फिर पढ़ पाएंगे। तो आपने मिल के पढ़ना है नहीं दोबारा? अच्छा एक एक बच्चा पढ़ेगा अब मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे, कौन? हसान, अनस, अनस, अनस आप पढ़े। نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين कुछ अच्छी कोशिश मगर और अच्छे अंदाज से पढ़ना है। दूसरी याद पढ़ेंगे इस्माइल भाई, ठीक है। فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم قال لام کو ہلانا بھی نہیں فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ما شاء الله جی اب مصطفی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے جلدی سے فسبح بسم ربك العظيم اتنی جلدی دی چلیں فسبح بسم ربك العظيم پڑھ کے آئیے گا محنت کر کے آئیے گا محنت نہیں ہے محنت نہیں ہے آپ نے محنت کرنی ہے بار بار دہرانا ہے اچھے انداز سے پڑھنا ہے پیارے بچوں جب تک آپ من جدہ وجدہ والا ذہن نہیں بنائیں گے جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے جب کوشش ہی نہیں ہوگی تو پھر پائیں گے کیسے تو کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے دانیال بھائی سب نے اب بڑھتے ہیں ہم اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم تذكرة
پلس واضح کرنے فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم نحن स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, स्पीड थोड़ी कम रखनी, कैसे کو ہلانا نہیں خاص خیال رکھنا ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اب آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینہ کی بات اب حاضر نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہوا اپنے اگلے مرحلے جانب اور اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت Slam for kids. तो प्यारे बच्चों हम आगे अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में आइए हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स तो बढ़ते हैं हम अपने पहले राउंड की जानेब ये है शेर सुनाइए ये रैपिड फायर राउंड तो आप दोनों डी में सलाम के लिए तैयार हैं जी माइक में बोला आप दोनों डी में सलाम के लिए तैयार हैं जी जी आप दोनों टीमें अपनी बुक बंद कर दें जी चले प्यारे बच्चों आइए अपना राउंड शुरू कर दें अब करम या मुस्तफा फरमाइए इब्न तैबा का अता फरमाइए जी टीमें या हबीबे किबरिया हज का शरफ अब अता एक मर्तबा फरमाइए सुभान अल्लाह जी टीम बी استقامت دین پر ہم کو عطا استقامت دین پر ہم کو عطا از پائے غوث و رضا فرمائے از پائے غوث و رضا فرمائے سبحان اللہ جیتی میں حاضری کی اب سعادت پاؤں میں کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے جی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی تم بھی آپ کی الفت میں ہو رونا نصیب آپ کی الفت میں ہو رونا نصیب مجھ کو چشم نم عطا فرمائیے مجھ کو چشم نم عطا فرمائیے ہاں اللہ جی ٹیم اے خواب میں آ کر کے کچھ شیریں کلام میٹھے میٹھے مصطفیٰ فرمائیے جی آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی ٹیم بی یا رسول اللہ میری مغفرت ہو خدا یا یہ دعا فرمائیے ہو خدا یا یہ دعا فرمائیے چاسن بھائی
हो खुदा यानी है हो खुदा से ये दुआ फरमाइए। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं सुभान अल्लाह। टीटी में फाइव फोर थ्री टू वन। जी आप जवाब नहीं दे सके। जी टीम भी दम लबों पर आ गया अतार का रंजा शवा फरमाइए अब कदम रंजा शवा फरमाइए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने में टीम भी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आइए हम हमजा भाई से कलाम सुनते हैं। जी हमजा भाई। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतजाम गली में कयाम हो
हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले अगले राउंड डिजाइन बनने का। ये एक क्लास एक शेर ये है बजर राउंड। तो आप दोनों टीम इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। माइक पे बोले आप दोनों टीम इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। आप दोनों टीम अपने बुके बंद कर दें। जी हमजा भाई आप भी जी। तो प्यारे बच्चों अपने राउंड की जाने बढ़ने से पहले दोनों टीम अपनी बजर भी चेक कर लें। तो मेरा पहला वर्ड है सामान। जी टीम बी। जानो दिल हो शोखी दर्द सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल हो शोखी दर्द सब असर। जी टीम में। फाइव फोर थ्री टू वन। जी आप जवाब नहीं दे सके टीमें। जी टीम भी आपको आता है? जी जी सुना। मेरी जबान में वो असर दे खुदाए पाक जो मुस्तफा के इश्क में सबको रुला सके। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है सब। जी टीम बी। लिख रहा हूं नाते से मेरा आखिरी वर्ड है मीठा। जी टीम बी। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों मैं इस राउंड में भी टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम हसन भाई से कलाम सुनते हैं।
जी हसन भाई। जो हो चुका है जो होगा सुने जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा सुने जानते हैं, भी करीब गुवे मोमिनों की तो जानो से भी करीब गुवे, कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जान एक
देते हैं और नहीं है सादे सफर पास जिन गुलामों के नहीं है सादे सफर पास जिन सुनते हैं अनस भाई से कलाम जी अनस भाई सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया का सुल्तान मदीने वाले शुक्रिया सुनता मदीने वाले मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले मुझसा आसी भी है मेहमान बच्चों और
और किड्स बंदी चंद नाजरीन। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इत्तेदाद पहुँचा। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। किड्स बंदी चैनल देखते रहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Slam for kids, oh, but you slam for kids, oh,